गाइस, आई एम गोइंग टू मेक अ टेस्टी डिश फ्रॉम आटा एंड दिस इज़ वेरी इजी दैट वी कैन मेड इट होम. फॉर नीड वी नीड अ स्पून, सम आटा, कटर्स, स्पून, सॉल्ट, पेपरिका पाउडर, टर्मरिक, जीरा एंड हॉट मसाला. सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन. इट जस्ट ट्रस्ट मी, इट विल बी अमेजिंग. सो आई एम स्टार्टिंग. ये आटा मैंने यहाँ पे रख दिया, ये भी यहाँ पे, कटर्स और ये भी. अब मैंने ये ड्राई आटा यूज़ करना है और ड्राई आटा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देना है लाइक दिस. इसको भी उठा लेना है. तो हमने इसको इस तरह से बनाना है, पेड़ा एक छोटा सा और ये. हाँ तो नहीं तुमने तो अभी मैंने आटे का पेड़ा बना लिया है और इसको मैं अच्छे से करूँगी. और ये मैंने थोड़ा सा ड्राई आटा लिया है, उसके अंदर मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ये. और इसको अब मैं बेलूँगी. पहले इसको गोल कर लेती हूँ और फिर मैं वो इससे इसको ऐसे बेलूँगी. बेलने के बाद जब ये ऐसे बड़ी थोड़ी रोटी हो जाए, इसके अंदर आपने सॉल्ट डालना है, इतना सा, बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डालना है. अगर आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आप मिर्ची के हिसाब से जितनी आपको पसंद है. और हल्दी डालनी है, काफ़ी अच्छी होती है, तो ये मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ. ज़ीरा भी बहुत मज़े का लगता है, जिनको पसंद है वो डाल लें, जिनको नहीं पसंद वो ना डालें. और ये हॉट मसाला, जिनको ज़्यादा तीखा पसंद है वो डाल सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा तीखा वैसे ही पसंद है. अब क्या करना है, हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है, यहाँ से भी. आप सोचेंगे वो तो अंदर रह जाएगा, नो, आपने इसको अच्छे से इस तरह करेंगे ना और फिर तोड़ लेना है बीच में से इस तरह रोल्स. अब इसको हमें तोड़ना है और मिक्स कर देना है. अब मैं थोड़ा सा खुश्का लूँगी, मैंने हाथों पे लगाया और अब उससे इसको अच्छे से मैंने गूंदना है, थोड़ा स्प्रिंकल करके. इसको जैसे पिज्ज़ा की डो को मारते हैं ना, इसको मारना अच्छे से, ऐसे करना है कि इसके अंदर अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं. अगर आपको इस तरह मिक्स करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप इसको किसी और तरीके से भी मिक्स कर सकते हैं, यानी आप पहले ही इसको मिक्स करने बेले ना. लेकिन इस तरह मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगता है, हर किसी की मतलब अलग मुख्तलिफ तरीके होते हैं. तो मैं इसको वैसे कर रही हूँ. और प्लीज़ हाथ धोएं पहले, क्योंकि कोरोना वायरस आया हुआ है, तो ध्यान से बनाएं. और बस फिलहाल कोलंजी नहीं थी, वरना वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं. मेरी मम्मा ने बताया बहुत अच्छी होती है. और इस तरह मैं भी इसको रखूँगी और फिर हम इसको बेलेंगे. आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको बेलना है, ज़ोर से नहीं बेलना, बिल्कुल हवा में रख के जैसे बेलना है. अब इसको पलटना है और फिर दोबारा हल्का हल्का, बिल्कुल हल्की हाथ से बेलना है कि पता ही ना लगे कि बेल भी रहे हैं कि नहीं. बहुत आहिस्ता आहिस्ता बेलना है और फिर इसको उठाना है हमने और थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है और हल्का सा बेलने के बाद आपको इसको, रोटी को मोटा नहीं रखना. अगर आपसे ज़्यादा बड़ी बेल नहीं होती तो आप नाइफ से इसको बीच में से कट कर लें इस तरीका से. अब आप इसको फोल्ड कीजिए. अब इसको छोटा बनाने तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी. इसको ऐसे दबा देना है, यहाँ से भी दबा देना है. अच्छे से दबा के आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता बेलते रहना है, बेलते रहना है, बेलते रहना है, बेल.
आपने इसको इस तरह बेल देना है, देखें पूरा बेल हो गया है। अब कटर की मदद से लाइक आई एम यूजिंग अ हार्ट, हार्ट की शेप में कट कर लेना है आपने, और ये बहुत प्यारा लगेगा। और अभी आप लोग को फ्लेम नहीं चलाना है चूल्हा, गर्म मत कीजिएगा, मैं बताऊंगी जब करना होगा। अभी इस तरह कट कर देना है आपने, फ्लावर भी कट करूंगी, दो फ्लावर्स कट करें, एक ये कट करें। तो अभी हम चूल्हा चलाएंगे, अब चूल्हा चलाने हैं और इस तरह हम ना इसको खुशके में रखेंगे ताकि ये ख़राब ना हो। और मैं कोई मुश्किल चीज़ नहीं यूज़ करी, आपके किचन में इजीली अवेलेबल होगी, मुझे पता है ये हर घर में इजीली मिलेगी आपको। अपने हल्का सा फ्लेम चला लेना, लेकिन तवा भी नहीं रखना, मैं ताकि हाथे बस चला लेना, इसको रख देना है, इसको बाद में बेलेंगे। हमें एक और पेड़ा लेंगे, आया था वो इस तरह बन गया है। अब हम इसको प्रेस करेंगे और फिर ये अच्छे से प्रेस हो गया है। अब इसकी मैं हार्ट शेप काट रही हूँ और इसकी मैं ये काट रही हूँ स्टार में, इसके ये हैं। और अभी हम चलते हैं वो बनाने के लिए। अब हम इसका फ्लेम ऑन करेंगे लाइट सा, ये देखिए कितना लाइट ऑन किया, इसके ऊपर मैंने ये रख दिया। और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, थोड़ा सा डालना ऑयल, और इसको और थोड़ा सा इसको आग को फ्लेम पे लगा देंगे, इसको आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने दें और ऑयल को पूरा अच्छे से ऐसे रखें फैला दें, अच्छे से फैला दें। अब मैं इसके अंदर वो सारी डाल दूंगी जो मैंने बनाई थी शेप, मैं चॉप करूं, ये मैंने सारा डाल दिया है। अब इसको अच्छे से बनने देना है, हल्के हल्के से होना शुरू हो गए, तो अब मैं इन सबको पलट दूंगी, अपने सबको ऐसे पलट देना है। ये देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से हो गए हैं, बस मैं इनको थोड़ा देर और बनाऊंगी। देखिए अब कितने अच्छे से हो गया, मैं इनको उतार रही हूँ, देखिए अच्छे से बन गए। तो ये देखिए बहुत ही मज़े के बने, और इनको मैंने ट्राई भी किया, बहुत ही सॉफ्ट भी हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के हैं। आप ये रेसिपी घर में ज़रूर बनाइएगा, और बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी बनी है और बहुत जल्दी और बहुत इजी बनी है। बाय बाय, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किएगा, लाइक किएगा और शेयर भी किएगा।